हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में, जिसमें सबको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि आज ये शेयर में लोअर सर्किट क्यों लगा, क्योंकि कंपनी को दो बड़े ऑर्डर मिले 100 मेगावाट के, उसके कारण तो शेयर में अपर सर्किट लगना चाहिए था, बट आज हुआ उल्टा, शेयर में फिर से लोअर सर्किट लग गया। हालांकि काफ़ी देर तक शेयर ट्रेडिंग करते रहा, बट फाइनली दोपहर तक इसमें लोअर सर्किट लग गया। अभी इसमें एमओ ऑर्डर लगे हुए हैं, 16,000 शेयर्स की सेलिंग के लिए एमओ ऑर्डर लगी हुई है। अब सवाल ये आता है कि शेयर में अब लोअर सर्किट क्यों लगा केपीआई ग्रीन एनर्जी में। नंबर वन रीज़न ये है कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले ही इसमें स्प्लिट जो है डिक्लेयर हुआ था। स्प्लिट जो हुआ था तो जनरली ऐसा देखा गया है कि बोनस के शेयर आने को अराउंड 10 से 20 डेज लगते हैं डीमैट अकाउंट में आने में, बट स्प्लिट के शेयर 5 डेज से 10 डेज के बीच में आ जाते हैं। तो लोगों के मन में डर ये है कि जब स्प्लिट के शेयर आएंगे तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए भी लोग थोड़ा सा बाइंग करने से डरते हैं हाई लेवल पर। और ये पहला रीज़न था कि स्प्लिट के शेयर आने का टेंशन है, इसके कारण भी लोगों में बाइंग की हिम्मत नहीं होती, सेलिंग प्रेशर बढ़ते रहता है, जिसके कारण लोअर सर्किट लगा। दूसरा रीज़न ये था कि मार्केट क्रैश होने का अभी भी लोगों के मन में डर है। कल बजट है, बजट में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट क्रैश होगा, तो सभी शेयर गिरेंगे, इसलिए भी लोग डर के मारे ले नहीं रहे हैं कि रुक जाते हैं, बजट हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तीसरा बड़ा रीज़न है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट अभी तक आई नहीं है, ना ही क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो लोगों के मन में थोड़ा डर होता है कि क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसे आएगा पता नहीं, क्योंकि ये कंपनी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करती है, तो ऐसे कंपनियों के जो रिज़ल्ट होते हैं कांस्टेंट नहीं आते हैं, कोई क्वार्टर बहुत अच्छा आ जाता है, कोई क्वार्टर एवरेज आ जाता है। जैसे कि पिछला क्वार्टर देखा था, क्वार्टर फोर का रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर आया था एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री, जिसके कारण शेयर स्लो ही चला थोड़ा सा। जब स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट आया, जब शेयर ने भागना शुरू किया था, तो क्वार्टर वन के रिजल्ट का भी लोग इंतज़ार करते हैं, उसके पहले डर लेने को थोड़ा डरते हैं। वारी की हालत भी आपने देख ली, थोड़ा क्वार्टर फोर का रिजल्ट कमज़ोर आया तो वारी का शेयर आप देख लो 3,040 रुपये से 3,040 रुपीज़ से अभी कहाँ पर पहुँच चुका है। तो इसलिए भी लोग थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट आने के पहले डरते हैं, क्योंकि इन कंपनियों के रिजल्ट कभी अच्छे आते हैं, कभी एवरेज आते हैं, जिसके कारण भी लोग डरते हैं। तो ये तीन रीज़न के कारण आज हमें केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर में दो बड़ी ऑर्डर की न्यूज़ होने के कारण भी लोअर सर्किट देखने को मिला। बट कल अगर बजट में कोई धमाकेदार न्यूज़ आती है सोलार और विंड पावर सेक्टर के लिए, तो हो सकता है कल से हमें तेज़ी देखने को मिले, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो आप हर गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर बाय कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म वाले जो है जिनको ट्रेडिंग के लिए लेना है, उन्होंने क्वार्टर वन के रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री लेना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, जो कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, आने वाले क्वार्टर्स तो शानदार आएंगे ही, और धीरे धीरे शेयर ऊपर ही जाएगा, बट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या साइडवेज हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।